गार्जियन डेट कर गए हैं, मम्मी लोग गिरवी रख के जमीन के भेज रहे हैं। अपन पिताजी इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, फिर भी मतलब गिरवी रख के जमीन आपको पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया। यस यस यस, हम लोग 6 साल से वेट कर रहे हैं। 2018 के बाद अब की बार वैकेंसी आया है जो कि 6,000 से भी कम आया है। सरकार बोलती है 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, कहाँ गया सरकार का वादा? सारा सीट बेचने का इन लोग का प्लान है। जब सारा चीज प्राइवेट ही कर देना है तो फिर सरकार किस काम का, उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए। हम ऑटो भी चलाते हैं। ऑटो भी चलाते हैं जी सर, और साथ में और पढ़ाई भी करते हैं सर। तो हमने जीडी का नहीं दिया कि अब तो आइए जाएगा एलपी, तो एलपी में एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ सर कि ना हम फिजिकल देने गए तो उसमें सर अब मेरा क्या होगा सर? डर भी लग रहा है, प्रशासन को भी सर माना चाहिए, वो भी किसान को ही बेटा है, लेकिन हम लोग के लाठी लेके तैयार है। रेलवे बहाली को पंचवर्षीय योजना क्यों बना दिया है? ये मोदी जी का देन है कि हम 5 साल पर वैकेंसी देंगे तो बच्चे लोग चुनाव देगा, तो वैकेंसी तो दिया तो लॉलीपॉप तो थमा दिया। यदि बहाली नहीं बढ़ाता है तो एक भी युवा 56 से 92 पोस्ट में फॉर्म नहीं भरेंगे, पढ़ाई लिखा छोड़ देंगे। पढ़ाई लिखा तो अब इससे कुछ होने वाला है नहीं। अभी हम राजधानी पटना में हैं, जहां पर रेलवे एलपी के छात्र हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या मांगे को लेकर ये लोग सुबह से ही पटना में निकले हैं। और अभी हम राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों संख्या में रेलवे के जो छात्र हैं वो सड़कों पर निकले हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आफ्ताब है, मैं एलपी का स्टूडेंट। एलपी क्या मांग को लेकर आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, रेलवे को जाम कर रहे हैं? हमारी मांग है कि 6 साल से एलपी की वैकेंसी नहीं दिया, हाँ। तो हमारी ये मांग है कि एलपी की वैकेंसी बढ़ाकर 30,000 किया जाए, हाँ। और एज रिलेक्सेशन दिया जाए, हाँ। उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी की भी बहाली लाया जाए, हाँ। और बस हमारी सरकार से यही मांग है। जब नौकरी के लिए इतना दिन रात तैयारी करना होता है, इसके बाद भी वैकेंसी कम आ जाती है? स्टूडेंट के देखिए सर, सबसे पहले उम्र बीतते जाता है, माँ बाप बूढ़ा होती जाती है, उन लोगों का गाली भी सुनना पड़ता है, उन लोग भी हम लोग का भी शर्माता है। इतना दिन से 10 साल में नवादा रह रहे हैं, 5 साल से पटना में रह रहे हैं, और उससे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट में थे, तो सोचिए क्या हालत है हम लोग का। पैसा नहीं हो पाता है, धान बेचेंगे गेहूँ बेचेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं, और आज मोदी जी किसे समझे नहीं आता युवा का। आप लोग सुबह से ही यहाँ पर पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास उतरे हुए हैं, यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स को लगा दिया गया, तो डर भी लग रहा होगा कि जब भी अपने हक के लिए मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो प्रशासन लाठी चार्ज कराया जाता है? डर भी लग रहा है, प्रशासन को भी सर माना चाहिए, वो भी किसान को ही बेटा है, लेकिन हम लोग के लाठी लेके तैयार है। जरा भी खाली चौक से अभी बच्चे को भगाया जा रहा है, कुछ बच्चे उधर भाग के डर से सब्सिडी लगा के रगेड़ने लगा, मारने के लिए मारने सिटी लाठी चार्ज खाली ऑर्डर देगा कि हम लोग का दम धो देगा। बच्चे नहीं भागते तो लाठी चार्ज कर देता, ये क्या सिस्टम है? हम लोग लड़ नहीं सकते हैं? अभी बच्चे को खदेड़ा जा रहा है चौक पर से। देश में पढ़ा लिखा को अनपढ़ घोषित कर रहा है, अनपढ़ को विश्व गुरु बना रहे हैं। बताइए सर कि रेलवे बहाली को पंचवर्षीय योजना क्यों बना दिया है? ये मोदी जी का देन है कि हम 5 साल पर वैकेंसी देंगे तो बच्चे लोग चुनाव देगा, तो वैकेंसी तो दिया तो लॉलीपॉप तो थमा दिया। 3 लाख प्लस वैकेंसी खाली था जिसमें 5,000 दिया है। क्या कारण है कि इतना कम? ये किया है कि मोदी जी ने सभी जितना भी जॉब था उसको निजीकरण कर दिया है, इसीलिए वैकेंसी कम दिया। लाखों करोड़ों में स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, करोड़ों लाखों में स्टूडेंट दावेदार हैं, लेकिन वैकेंसी महज 5600। हाँ, 5600 ही है। ये कहाँ भराएगा? 1.5 करोड़ फॉर्म भराएगा सिर्फ रेलवे में। पिछले साल वैकेंसी आया था 60,000 वैकेंसी आया था पिछले साल, इस बार मत छर नहीं कि इतना कम वैकेंसी। अब क्या बताएं, मोदी जी कौन हिसाब से दिए पता नहीं चल रहा है, कर रहे हैं ठीक, यही मेन भाई। इसमें कोई फॉर्मूला लगाया कि हाँ इस हिसाब से वैकेंसी मिला है? अब क्या एलपी के साथ साथ टेक्नीशियन का भी फॉर्म आता है, ठीक है, टेक्नीशियन पहले भी 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आया था। हाँ, तो फिर इस बार 5 गुना कमाया है, खुद सोचिए किस हिसाब से मिला है। सबसे पहले वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार अगर रहेगा देश में तो अच्छी बात नहीं है। इतना करोड़ों में स्टूडेंट अगर फॉर्म भरते हैं, करोड़ों में स्टूडेंट तैयारी करते हैं, और 5600 वैकेंसी में क्या डर भी लग रहा होगा? अभी जब आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए देखिए सामने भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। जी डर लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, सरकार रोजी रोटी का तो सवाल है, हम लोग को आज रोजगार नहीं रुकेगा तो स्टूडेंट के जीवन में संघर्ष कितना होता है? आज तो एक मान के चलिए एक डंडा खा करके ही रोजगार मिल जाएगा तो जिंदगी तो बन जाएगा, इसीलिए ना हम लोग आ रहे हैं। सर हम लोग करिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाला सिस्टम है सर, जाए तो जाए कहाँ सर, अगर बहाली नहीं निकलती तो बेरोजगार जीना है सर, तो उससे अच्छा है कि नौकरी नहीं मिला तो बेरोजगार बनना है। अगर अपने हक के लिए मांग के लिए आवाज़ उठाएंगे तो लाठी चार्ज भी होना। जी सर लाठी भी खाएंगे और जेल भी जाना है, सरकार का ऐसा रवैया है। अब सर गिरवी जमीन रख के पढ़ने के लिए भेजा है कि दो गिरवी जमीन
और क्या, गार्जियन डेट कर गए हैं, मम्मी लोग गिरवी रख के जमीन के भेज रहे हैं। आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, फिर भी मतलब गिरवी रख के जमीन आपको पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया। यस यस यस, हम लोग 6 साल से वेट कर रहे हैं 2018 के बाद, अब की बार वैकेंसी आया जो कि 6000 से भी कम आया है वैकेंसी। ये सब देख के अंदर से मतलब रोना आता होगा, बहुत सारे लोग ये सब देख के टूट भी जाते हैं कि आगे से हम तैयारी नहीं कर रहे। यस यस यस, सरकार बोलती है 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, कहाँ गया सरकार का वादा, कहाँ गया? हम लोग 6 साल से परेशान हैं, हम लोग वेट कर रहे थे 6000 से भी, जबकि ALP में 10000 से ज़्यादा एम्प्लॉय रिटायरमेंट होते हैं, जबकि 70000 से प्लस वैकेंसी आना चाहिए और इसमें इंक्लूड करना चाहिए टेक्नीशियन का भी, टेक्नीशियन भी इंक्लूड नहीं किया गया है। और सरकार सालाना कैलेंडर जारी करे, हम लोग को वेट करें, घर से 1 साल 2 साल टाइम देता है, हम लोग 6 साल से परेशान है, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही। बिहार और पूरे देश में देखा जाए तो लगातार सरकारें जो है हर राज्य में बदल रही है, लेकिन क्या इससे शिक्षा में कोई प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सरकार अपना काम बना रहा है, कोई विद्यार्थी लोग पर देख नहीं रहा है सरकार, हम लोग बेरोजगार है, कोई नहीं पूछ रहा है, करने को तैयार हो जा रहे हैं, रातों रात सरकार बदल जाती है, रातों रात सरकार बदल जाती है, लेकिन छात्रों का भविष्य नहीं बदल वाले नहीं है, नहीं छात्रों का भविष्य नहीं देखा जा रहा है, जबकि 10000 अधिक वैकेंसी 6 साल हो गया, 6 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला रेलवे है, अब बताइए इतना कम रोजगार दे रहा है, क्या करेगा स्टूडेंट, क्या करेंगे आप लोग अगर? हाँ, क्या देगा? बोल रहे हैं, बोले कि सारा सीट बेचने का इन लोग का प्लान है, जब सारा चीज़ प्राइवेट ही कर देना है तो फिर सरकार किस काम का, उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए, उसको भी अडानी अंबानी के हाथ बेच दिया जाए, कहे कहे सरकार की क्या जरूरी है, जब सारा चीज़ प्राइवेट लोग चलाएंगे तो सरकार अपने आप को भी बेच दे, वो भी प्राइवेट कर दे। MP का सीट बढ़ना चाहिए, उसका पेंशन आजीवन होगा जब जब बनेगा, लेकिन ये सबका पेंशन भी बंद, 4 साल वाला जो है अग्निवीर ला दिया, इसे क्या होगा, कल होके देश मेरा कमज़ोर होगा, गरीब के बच्चा आज 300 में मजदूरी करता है, कल भी 300 में, दिक्कत उन्हीं लोग को होने वाला है, हम लोग को तो दिक्कत है ही है, जिस तरह का नीति है। जब भी कोई नया रूल आता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है कहीं ना कहीं गरीब मजदूर और किसान के बेटे को ही होता है, क्योंकि कोई बड़ा नेता मंत्री अधिकारी का जो बेटा होता है ना वो रेलवे में नहीं जाता है, इसके अलावा कोई भी पद में नहीं जाता। यस 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 यस, आप लोग के साथ एक तो तैयारी करते हैं सालों से, जब वैकेंसी को लेकर वेट करते हैं कि भाई भारी संख्या में वैकेंसी आएगा, हमें नौकरी मिल जाएगा, एक उम्मीद रहता अंदर से, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें मतलब सामने आता है उसके बाद उम्मीदें टूट जाता है। उम्मीद हम लोग को टूट गया है, देखिए कि 6000 से भी कम दिया है, हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे पर भी मारने के लिए वैकेंसी भी नहीं दिया, बताइए 6 साल में 6000 भी नहीं, 6000 भी नहीं मिला, बताइए 56000। बीजेपी अपना पूरा मर्यादा लांग चुका है, पूरा सीमा पार कर चुका है, इसलिए हम लोग आंदोलन में आए ना, तो कोई जरूरी नहीं था। अरे जिस तरह से आपका तो लगता होगा ना आंदोलन में आने के बाद, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पे FIR दर्ज हो जाता है, मार पीट के भगाया जाता है, ये सब परेशानी है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब सारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो विद्यार्थी क्या करेगा, अपना पूरा ताकत से वार करेगा, जो है वो भी ले लो तुम, सारा चीज़ तो ऐसे भी लौट चुका है, क्या बचा है विद्यार्थी के पास, एक 6 साल से आप सोए हुए हैं, उसके बाद जगह तो 5000 के लिए जगह, आपका MLA MP का सीट बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, पेंशन भी बढ़ेगा, लेकिन इसका सीट नहीं बढ़ेगा, इसका इंक्रीज के जगह डिक्रीज होते चला जाएगा, ये सारा चीज़ एकदम। रेल लाइन बढ़ रहा है यहाँ, वैकेंसी नहीं बढ़ रही है, रेल लाइन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है सालाना, सरकार को वैकेंसी नहीं देना है तो कैलेंडर जारी कर दे, हम लोग नहीं तैयारी करेंगे और क्या करेंगे, नहीं करेंगे तैयारी और क्या करेंगे, हम काहे करेंगे तैयारी, इतना तैयारी कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ वैकेंसी। ऐसा हुआ सर कि हम ऑटो भी चलाते हैं, ऑटो भी चलाते हैं जी सर, और पढ़ाई भी करते हैं सर, हमने सर अभी इससे पहले 6ठा महीना में सर फिजिकल था GD का, तो चूँकि रिटर्न हमने निकाल लिया था तो हमने GD का नहीं दिया कि अब तो आइए जाएगा ALP, तो ALP में एग्ज़ाम निकाल लेंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ सर कि ना हम फिजिकल देने गए, मैंने कि तैयारी मेरा अभी भी प्रॉपर है सर, तो सर हम नहीं गए कि हम जा रहे थे कि हम निकाल लेंगे ALP का एग्ज़ाम, लेकिन अब तो सर 5000 सर मतलब लगभग 6000 के आसपास बहाली है सर, तो उसमें मेरा मैंने वही लगभग 5600 तो उसमें सर अब मेरा क्या होगा सर, जो अगर देखा जाए लग रहा है कि कुछ तकदीर और तस्वीर बदलेगा, अगर सर 6 महीना पहले बोल दिया जाता तो हम आज GD में ज्वाइन किए हुए थे, मेरा तैयारी नहीं करते रेलवे नहीं सर एकदम नहीं सर, चूंकि हम एग्जाम निकाले थे सर केवल फिजिकल के लिए बाकी था सर, तो हम नहीं गए कि सोचे कि उससे अच्छा है कि 6 महीना वेट कर लेते हैं, फिर तो आना ही है इसका, तैयारी करेंगे उसको बहाली बढ़ाना पड़ेगा,
बहाली बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से हम राजेंद्र नगर की धरती से बोल रहे हैं, इसको बढ़ाना पड़ेगा। यदि ये बहाली नहीं बढ़ाता है, डायरेक्ट बात सुन लीजिए मेरा, यदि बहाली नहीं बढ़ाता है तो एक भी युवा 56 से 92 पोस्ट में फॉर्म नहीं भरेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। पढ़ाई लिखाई तो अब इससे कुछ होने वाला है नहीं, पढ़ाई लिखाई साफे छोड़ देंगे। नज़दीके में चुनाव है 2024 का मई में, सभी युवा तैयार हो जाएंगे रोड पे। एक ही दावा बोलेंगे कि बीजेपी का एको तो वोट एक को युवा नहीं देना है। सिर्फ युवा वोट नहीं देगा, अपना मोदी का खेला समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई मतलब छोड़ क्यों देंगे भाई? अगर बहाली ही नहीं देगा तो क्या करेंगे पढ़ के? अगर कल सरकार गिर जाएगी अपने आप बहाली आने लगेगा। इसका साफ मीनिंग है कि बीजेपी सरकार ही इसका जिम्मेदार है कि एक भी बहाली नहीं देना है युवा। बाकी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि पटना के रेलवे के वो छात्र हैं जो अभी लगातार सड़कों पे उतरे हैं अपनी मांग को लेकर, जो वैकेंसी सरकार के द्वारा दिया गया है 5600 कुछ, उसको और भी बढ़ाया जाए, बस इन लोगों का यही मांग है। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।